संवेदना साहित्य प्रस्तुत करता है हरिशंकर परसाई रचित हास्य व्यंग दवा। आओ कहानी सुनिए। कवि अनंत जी का अंतिम क्षण आ पहुंचा था। डॉक्टर ने कह दिया कि यह अधिक से अधिक घंटे भर के मेहमान हैं। अनंत जी की पत्नी ने कहा, कुछ ऐसी दवा दे दें जिससे 5-6 घंटे जीवित रह सकें, ताकि शाम की गाड़ी से आने वाले बेटे से मिल सके। डॉक्टर ने कहा, कोई भी दवा इन्हें घंटे भर से अधिक जीवित नहीं रख सकती। इसी समय अनंत जी के मित्र आए। वे बोले, मैं इन्हें मजे से कई घंटे जीवित रख सकता हूं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, यह असंभव है। मित्र ने कहा, खैर मुझे कोशिश तो कर लेने दीजिए। आप सब लोग बाहर हो जाइए। सब लोग बाहर चले गए। मित्र अनंत जी के पास बैठे और बोले, अनंत जी अब तो आप सदा के लिए चले, यह सुललित कंठ कब कहां सुनने को मिलेगा। जाते जाते कुछ सुना जाइए। यह सुनते ही अनंत जी उठकर बैठ गए और बोले, मन तो नहीं है पर आपकी प्रार्थना टाली भी तो नहीं जा सकती। अच्छा अलमारी में से कॉपी निकालिए ना। मित्र ने कॉपी उठाकर हाथ में दे दी और अनंत जी कविता पाठ करने लगे। घंटे पर घंटे बीतते गए। शाम को गाड़ी आ गई और लड़का भी आ गया। उसने कमरे में घुसते ही देखा, पिताजी कविता पढ़ रहे हैं और उनके मित्र मरे पड़े हैं। हमें आशा है आपको परसाई जी का यह व्यंग पसंद आया होगा। परसाई जी ने कितने ही कम शब्दों में लेखक का अपनी रचना के प्रति प्रेम दर्शाया है, और श्रोताओं के विषय में तो अब क्या ही कहें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट द्वारा देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।